नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी। स्वागत है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? तेरे या सा, मेरा नाम छिंदर इंसाफ। कब से आ रहे हो मैम डेरे? हमने तो 30 साल हो गए। मैम कैसा माहौल देखा है आपने? बहुत बढ़िया मैम। लड़कियां जो डेरे के अंदर आती हैं सुरक्षित हैं, सेफ हैं? हाँ जी जमा। मैम मीडिया चैनलों पर फिर इतना गंद क्यों? आखिर क्यों दिखाया गया संत जी की, क्यों बदनामी की गई? वो तो ऐसे है बेटा, उन्हें की मर्जी है, तेरे को कुछ मिलता है तो बोल देती है माड़ा। जिनसे कोई मालिक का पूरा प्यार है वो नहीं बोलेगा ऐसी। मैम संत जी आज समाज में नहीं है, क्या बुराइयां समाज के अंदर बढ़ रही हैं? संत क्या संत जगत में होते बढ़ जल्दी से, जे संत जगत में ना होते बढ़ जल्दी संसार। आज जे संत जगत में होते ना ये इस तरह का बीमारी नहीं आवे थी। संत तो हैं, फिर वो कह करें इस देश ने, राजा ने, महाराजा ने, वो उसका राज है, उसनु आप कुछ कह नहीं सकते। वो तो वो जाने, उस बारे तो आप कह नहीं सकते कैसे हो गया, के वो करन गया, वो चंगा काम करन गया, मारा नहीं करन गया। मानव बात का विश्वास है, मारा सतगुरु पूरा है, एक खुद भगवान है। मैं कृष्ण जी को मान्य कर दी, पहला मंदिर में टल्लियाँ बजाए कर दी। मेरा कैंसर की बीमारी बताई थी, एक्सीडेंट हुई थी, मैं खुद आपका रूप 10 साल पास मेरे बच्चे हुए, मैं खुद भगवान है, यूँ भगवान है। इसने कोई मानो ना मानो, मैं मानू जरूर, सास संगत जरूर माने। समाज भलाई के लिए संत जी ने क्या कार्य किए हैं जी? समाज भलाई के लिए क्या कार्य किए हैं संत जी? भलाई के लिए गरीब बेटियां की शादी करनी, ठीक है, दहेज नहीं लेना, दुखिए को रोटी देनी, बीमार को इलाज करवाना, वो हमारा सतगुरु अकल दे रहा, मां में नहीं कर सकते। एक कड़िया सोच आवे ना कह अंबरा में तारे छू लेंदे, वो सतगुरु सोच दे है। कह चांद सूरज शरमावे अंबरा में ते तारे छू लेंदे, अकल इलम दा जोर ना चल है जद सतगुरु अकल दिंदे। सरकार से क्या अपील करूँ जी? सरकार से क्या मांग करूँ? सरकार से जी, सरकार से हम कोई मांग नहीं मांगती, हमें सरकार से प्रेम मांगते हैं भी, हमारे को प्रेम दो, शिक्षा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। अगर आज संत नहीं होते इस जगत में तो ये इन्होंने कहा कि इस जगत का जो बुरा हाल होना था, मगर जब संत जी समाज में नहीं है तो उससे लोग बोल रहे हैं कि जो बीमारियां फैल रही हैं, जो बुराइयां फैल रही हैं, संत जी का समाज में आना चाहिए। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत